और आपको आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फिर आज हम लोग सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन और कैरी वाले सब्ट्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ये सिंबल है, इस सिंबल का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। और फिर हमें अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये रहा 6। और फिर अगर आपको समझ ना आए तो फिर यहाँ आप लोग लाइन भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ओके, तो फिर यहाँ पर 6 माइनस 4 करना है, इसलिए यहाँ से 1, 2, 3, 4 हो गया 4 माइनस। तो फिर अब यहाँ हमारे पास बच गया है 2। तो फिर यहाँ हमें 2 लिख देना है। उसके बाद फिर अब ऐसे ही 8 का करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। और फिर उसमें से हमें 2 माइनस करना है। तो फिर यहाँ 1 और 2 ये कट हो गया। अब गिनते हैं कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो फिर ये टोटल हो गए 6। तो फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे 6। तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिल गया 62। दोस्तों, तो फिर आप अगर ऐसे लाइन बनाकर कट करेंगे तो फिर उसके बाद आपको ये चीज़ मिटा देना है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ये 4 माइनस 2। तो फिर यहाँ हम लोग 4 लाइन ड्रॉ किए और फिर उसमें से 2 लाइन को कट कर दिए। तो फिर हमारे पास आंसर हो गया 2। तो फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे 2। और फिर ये रहा 6। तो फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 में 4 घटाना है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो फिर ये ऐसे कट कर देंगे और फिर ये बच गया 2। तो फिर यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 2। और फिर ये है 3, 1, 2 और ये 3। 3 में से 1 घटाना है, तो फिर इसको हम लोग कट कर दिए, हो गया ये 2। तो फिर हमारा आंसर निकल गया 222। अब हमने ये तो सीख लिया मामूली सा सब्ट्रैक्शन, अब हम लोग सीखेंगे कैरी सब्ट्रैक्शन। तो फिर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 3 है। हाँ, मैं बताना भूल गया था कि हमेशा हम लोग इस साइड से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, कभी भी इस साइड से सब्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते, वरना ये गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कोई भी चीज़ करें, सब्ट्रैक्ट, ऐड या मल्टीप्लाई, तो ये हमेशा इधर से ही होगा। ओके, तो फिर ये 3 है और यहाँ 7 है। तो फिर 3 छोटा है और ये 7 बड़ा है। तो फिर हमें इससे कैरी लेना होगा। जैसे कि आपके पास होंगे 3 एप्पल्स और कोई आपसे मांग लिया 7 एप्पल्स, तो फिर आपके पास 7 एप्पल्स तो नहीं है, तो फिर आप कैसे देंगे। इसलिए आप इससे एक लेंगे, तो फिर ये 3 बन जाएगा 13। तो फिर यहाँ हम लोग लिख देते हैं 1। और फिर अब 13 में से 7 को घटाइए। तो फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 और ये 13। ओके, तो फिर अब इसमें से 7 घटाना है। तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो फिर यहाँ से यहाँ तक इसे काट दिए। अब काउंट करते हैं कितना बच गया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो फिर अब हम लोग यहाँ 6 लिखेंगे। तो फिर आपको इस 2 ने दे दिया था 1, तो फिर ये 2 बन गया 1। और फिर 1 माइनस 1 तो हो जाता है 0। और फिर अब ये है 7। तो फिर हम लोग 7 ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसमें से 1 काट दिए, तो फिर हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर भी हम लोग 6 लिख देंगे। अब हम लोग जो ये समझने के लिए 1 लिए थे, अब हम लोग इसे मिटा देंगे, वरना अगर कभी आपने इसे होमवर्क में किया तो फिर आपकी मैम आपको डांट सकती है।
लोग नेक्स्ट करेंगे। अब हम लोग ये वाला करेंगे, ये है ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है और यहाँ पर है थ्री, तो जब कोई वैल्यू नहीं होता है और यहाँ थ्री होगा तो हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग फाइव से एक उधार ले लेंगे, तो फिर ये हो गया टेन। ओके, यहाँ पर वन लिख दिए, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, तो फिर टेन में से हमें थ्री काटना है, वन टू थ्री, तो हमें ये कट कर दिया। अब देखते हैं कितना बच गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, यहाँ हम लोग सेवन लिख दिए। और फिर इस फाइव ने इसे दिया था इसलिए ये हो गया फोर, और फिर फोर माइनस वन करेंगे, फोर माइनस वन हो गया थ्री, और फिर यहाँ थ्री है और उसके नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ ये सिंबल है। अगर यहाँ पर कुछ ना हो और सिर्फ सिंबल हो तो फिर ये ही नीचे उतर जाएगा। और फिर अब हम लोग इसे मिटा देते हैं। अब हमारा ये कैरी वाला और सब्ट्रैक्शन ख़त्म हो चुका है, तो फिर अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें।